के न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। केंद्र सरकार ने जब से देश में नागरिकता संशोधन कानून का ऐलान किया है, तब से ही देश में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का लगातार विरोध किया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर गरमाया हुआ है। आने वाले चुनाव में विपक्ष से उतरे एनडी गठबंधन का कहना है कि अगर इस महाचुनाव में जीत कर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले सीएए को ही रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो देश भर की तमाम जगहों पर इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। असम, बंगाल, तमिलनाडु में जनता इसका खासा विरोध कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि सीएए को रद्द करना नामुमकिन है। उनका कहना है कि सीएए मोदी सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून है जिसका सभी नेता राजनेता चुनाव के बाद समर्थन करेंगे। लेकिन इसी बीच अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हद पार कर दी है। सीएए के खिलाफ सीएए को रद्द करने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। जब से देश में सीएए लागू हुआ है तब से ही असदुद्दीन ओवैसी को खासा मिर्ची लगी हुई है। वे लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि सीएए को यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने को बीजेपी की एक रणनीति है, या इसे कहें कि ये एक ऐसी रणनीति है जो बीजेपी ने बना ली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएए का कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह सीधा आर्टिकल 14, 25 और 21 का एक उल्लंघन है। उनका कहना है कि जब तक इस पर कार्यवाही होती है तब तक इसे लागू करने पर यानी सीएए को लागू करने पर रोक लगा लेनी चाहिए। बता दें कि ओएससी का कहना है कि सीएए का लागू होना मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना है कि सीएए का या कहे कि इस कानून का भेदभाव पूर्ण है। वहीं इस पर ओएससी ने सीएए के विरोध में अपना बयान भी जारी किया था। उनका कहना है कि सीएए का लागू होना मुसलमानों को टारगेट करने जैसा है। उनका यह भी कहना है कि यह कानून आने वाले समय में देश को तोड़ने का काम करेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज जो ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास अख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहाँ के इंडियंस यहाँ पर वहाँ चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निज़ाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर रोक लगाने की याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत भी हो चुका है और 19 मार्च की तारीख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई के लिए तय की गई है। हालांकि अब देखना यह है कि ओवैसी की इस दायर याचिका का अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या बयान जारी होता है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे और जिस तरह से ओवैसी इस वक्त भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, वहीं उनका कहना है कि सीएए जो अब बीजेपी लेकर आई है उसे रद्द कर दिया जाए, इस पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।